अभी भी हम नोहाई गांव में हैं और सीधे खेतों में आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ किसान भी हैं। आप मटर की हालत देखिए, मटर ये पूरा कितनी 100% नुकसान है। 100% नुकसान है इसमें, 100% नुकसान है इस मटर में। आप भी आ जाइए, हर फसल में नुकसान है, 100% आ जाइए। हम लोग नहीं जानते। हाँ, और आप देख सकते हैं ये सरसों का पेड़ है, आइए आप आइए, सरसों के पेड़ के देखिए कितनी जगह से टूटा है, पूरा पूरी तरीके से टूट गया है। इसमें कोई भी होने की संभावना नहीं है कि हो सकती है फसल, मतलब 100% इसमें नुकसान है। अब वापसी, वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इसमें, मतलब सवालों से ये सब सूख के गल जाना है। गल जाना है जी, जानवरों को खवाने के काम के है। कोई 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 काम में नहीं आने जब तक ये सूखने जमीन, जब तक ये गल जाने, जब तक ये गल जाने, जब जानवर के खाने योग्य नहीं रहे। और एक ओला की साइज कितनी थी, कितने ग्राम का रहा होगा ये? 200 ग्राम से लगा के 150 ग्राम, 200 ग्राम से कम नहीं आया कोई भी पत्थर। 200 ग्राम से लेके 150 ग्राम, 200 ग्राम, बताइए कितने घंटे रही होगी? जे बारिश रही है करीब आधा घंटा। आधा घंटा, ये 30 मिनट में पूरा काम हो गया। आम झोड़ इतना ओला में मौके पे हार में बसता रहा उस समय, बिल्कुल हार में, तो मौके पे रात में जे 9:30 बजे की कहानी है। 9:30 बजे की, 8 तारीख को हुई है। जो इतनी भयंकर घटना थी कि अगर कोई साथ दड़े पे साथ मैदान में पड़ जाता, हाँ किसान, हाँ तो मर जाता, मर जाता वो ओलों की बारिश से ही मर जाता। बहुत बुरी तरीके से ये घटना घटी है। रवि मैं कहूंगा कि आप गन्ने के खेत को भी देखें, गन्ने के खेत को आप देख रहे हो कितना मजबूत रहती है गन्ने की पत्ती, उस पत्ती को भी आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। नष्ट हो चुकी है, तो कोई काम की नहीं की। अगर जो कोई चाहे कि हम ढोरों को खवा लें तो एक मजबूरी है, हाँ खिलाना और उसका छोड़ना, छोड़ना, हाँ एक मजबूरी है। कैसे खेती है वो छोड़ती बलती नहीं है। गांव में किसानों से बात हो रही थी, बता रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, तो आपको पता है कि गांव में सर्वे हो रहा है, कौन कौन आया है? जय कोई देखो तो हमारे साथ में अधिकारी हैं जो सर्वे मौके पर खेत में खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं मौके पे, और देखो उस पर बिल्कुल सही तरीके से सर्वे परीक्षण कर रहे हैं। इसमें सीधे सीधे आपसे कहना चाहेंगे कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो पार्टी सरकार में है किसानों के दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए साथ में, और 100% की 100% के मुआवजे की मांग करते हैं यहाँ से। इसमें देखो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें कुल मिलाकर दोनों को एक गुट होकर किसान की सहायता करनी चाहिए। किसान के साथ में ये सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है खेती में, जो आज की स्थिति में जो अन्नदाता अपना कहलाता है, ये सबसे बड़ा हमारा अन्नदाता है, जो हम इससे पेट भरते हैं, सबकी सभी का पेट भरते हैं, ये आज उसको खुद खाने के लाले पड़ गए हैं इतने ज़्यादा कि सवालों की जो अगर यहाँ अधिकारी आए और जो देख जाए तो वो कहे कि हाँ वाकई में ये समस्या बहुत गंभीरता की है। कई किसानों ने बताया है कि ओले की बारिश देख के फसल देख के मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए हैं। यहाँ पे समझ लो कि लोग बाग जो आते थे वाकई में बेहोश हो जाते थे और देखने नहीं आए खेत को, हाँ फसल को, हाँ जो गंभीरता दिल वाले हैं सदमे में है किसान, हाँ वो देखने नहीं आए, वो जो जिसके पास कड़े दिल का वही खेतों घूम रहा। बहुत बहुत बड़ा सदमा लगा है किसानों को, सबसे बड़ा झटका लगा, सबसे बड़ा झटका लगा है ये भाई। किसान की खेती से जुड़ा है पूरा। आप अपना नाम बता दीजिए। कृपाल राजपूत। कृपाल राजपूत जी, बहुत तो आप देख रहे थे हम मटर के खेत में थे नोहाई गांव के, और पूरी तरह से मटर क्षतिग्रस्त हो गया है ओले की बारिश में हुआ है 8 तारीख को। तो एक ही % नहीं, पिसी से लगा के गेहूं मटर चना सब नष्ट है, लाही से लगा के सब पूरी फसल बिल्कुल नष्ट है। बिल्कुल खेत में ना तो कोई जानवर को खवा सकता है, ना जानवर खा सकता है, इसलिए कि वो मिट्टी में बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, और जब तक उसको उठाना है जो जमीन सूखेगी तब तक उसको गल जाना है, तब तक गल जाना है। सीधे सीधे सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के इस दुख दर्द में साथ में खड़ी रहे और सहायता करे, हमारे सहायता किसानों की सहायता करे और 100% मुआवजा दे, बस यही हमारी प्रार्थना है केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि वो किसान की सहायता करें, हर हालत में सहायता करें। देखते रहिए जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश, धन्यवाद।